यमुना शारदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति की ओर से कालसी के रामलीला मैदान में आयोजित चार दिवसीय समारोह के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिरकत की। यहां शारदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति के पदाधिकारियों ने यहां जौनसारी परंपरागत तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मंच पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कालसी जौनसार बाबर क्षेत्र में वेदव्यास की धरती ही नहीं दुनिया भर के अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध सम्राट अशोक की एक नायाब निशानी देहरादून जिले के कालसी में स्थित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे लोगों के द्वारा अवगत कराया गया था कि कालसी में आपका विरोध होना है, लिहाजा प्रोग्राम चेंज की जाए, लेकिन मुझे इस महोत्सव में आना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब जो भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करेगा उसे 10 या उम्र कैद की सजा की जाएगी या 10 साल की सजा होगी। कालसी से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। न्यायालय में मामला गया था और माननीय न्यायालय ने कहा कि सारी जांचें ठीक प्रकार से हो रही हैं, इसमें 60 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जहां जहां भी भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी सारी रद्द हो चुकी है। अब नकल का हम लोग हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून यहां पर लेकर आ गए हैं, इसलिए सभी छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सब परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सब परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी।